समाप्त हुआ। अंततः आयोग ने यूपी ट्रिपल सी लेखपाल में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों या छात्रों के लिए नोटिस जारी कर दिए और अभी भी आपके सामने नोटिस आया है। क्या है नोटिस में, कौन लोग शामिल हो पाएंगे, कितने मार्क्स वालों को मिला मौका, कितनी संख्या में छात्र होंगे शामिल, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और कितने नंबर वाले इसमें आएंगे, क्या परसेंटाइल के आधार पर होगा, क्या स्कोर कार्ड के आधार पर होगा, कौन कौन से स्टूडेंट शामिल होंगे, इन सब का डिस्कशन इसमें करेंगे। और लगभग वही आइडिया है, एक बार मैंने पहले भी इस आइडिया को बताया था, वही लगभग आइडिया है कितने नंबर वाले दे सकते हैं मुख्य परीक्षा। आइए जानते हैं। ये देखिए नोटिस आया है, आज ही का है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन त्रितल गोमती नगर लखनऊ, दिनांक इतना इतना, आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अहर पाए गए अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक ये होंगे। देखिए क्या होंगे, तो जो जनरल कैटेगरी में है, जो अनारक्षित हैं, जो जनरल है, उनका अगर पैट का नॉर्मलाइज स्कोर 62.96 यानी कि लगभग 63 है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। जिनका भी स्कोर 62.96 नॉर्मलाइज स्कोर है, परसेंटाइल नहीं, स्कोर। दूसरा एससी, जो भी एससी कैटेगरी के हैं तो उनकी अगर हम बात कर लें, तो एससी की अगर बात कर रहे हैं तो एससी वाले जिनका भी स्कोर 61.80 है, कितना है 61.80, ये देखिए 61.80 जो भी एससी हैं वो इस पर पार्टिसिपेट, यानी कि जिनके भी लगभग 62 नंबर हैं एससी में 61.80, वो सभी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग एसटी वालों की, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, तो जो एसटी कास्ट है वो जिनके भी 44.71 कितने 44.71 बन रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि लगभग जिनके 45 अंक हैं, नॉर्मलाइज स्कोर जिनका 45 है तो एसटी वाले 45 में 44.71 में। और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी कट ऑफ जनरल के इक्विवेलेंट है 62.96 62.96 यानी कि लगभग 63 जिनका नॉर्मलाइज स्कोर है वो पहुंच सकते हैं। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शंस वाले हैं, उनका भी स्कोर सेम है 62.96 यानी जनरल ओबीसी EWS तीनों 62.96 लगभग 63 जिनका नॉर्मलाइज स्कोर है उनके स्कोर कार्ड में, वो ही लेखपाल मुख्य परीक्षा देने के लिए अवेलेबल या उपयुक्त पाए गए हैं। और इसके अलावा जो आरक्षण वाले हैं हॉरिजॉन्टल वाले में, तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक्स सर्विसमैन, सॉरी जो फ्रीडम फाइटर्स के आश्रित हैं, तो उनका 49.84 है, जो फ्रीडम फाइटर्स के आश्रित हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, उनका 49.84 लगभग 50, विकलांगजन जो है वो 51.12, और जो महिला है गर्ल्स, गजब गर्ल्स का सबसे अधिक है, गर्ल्स अगर हैं तो गर्ल्स का 64.74 लगभग 65 जिनका नॉर्मलाइज स्कोर, वो गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका सबसे कम है, आप हंसेंगे अगर इसको सुनेंगे, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक हैं एक्स सर्विसमैन का 0.91 यानी कि जिसने एक नंबर भी किया है वो भी एग्ज़ाम देगा, यानी कि एग्ज़ाम में बैठ गया है तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन आप मान के चलिए, क्योंकि अगर इसमें होंगे तो मेंस में भी इतने नंबर आएंगे तो एक, देखिए क्या बढ़िया है ना। तो ये पूरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स, क्या स्कोर है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी इसके इक्विवेलेंट आपको बताया था कि लगभग इसके आसपास आएगा और वही गई है, तो आप देखिए कमेंट्स करिए कितने लोगों को मौका मिला, बड़ी संख्या में छात्र हो रहे हैं शामिल, आप भी शामिल हो उनमें से। क्या जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।